चुनाव आता है तो तमाम नेता वादों की एक लंबी फहरिस्त बनाकर जनता के बीच पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, और जनता भी उन वादों को सच्चाई समझकर नेताओं को वोट देती है और सत्ता की सिर पर बैठा देती है। लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो उन जनता से भी नेताओं की दूरी बढ़ जाती है और उन वादों को कचड़े की ढेर में फेंक दिया जाता है। तमाम नेताओं का ऐसा ही लगभग हाल है। कुछ ऐसा ही झारखंड में भी चल रहा है। अगर बात करें सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की तो एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो बताया जा रहा है कि कोलेबीरा विधानसभा क्षेत्र का है, जो सिमडेगा जिले में आता है और 2014 का है। 2014 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां चुनाव प्रचार में पहुंचे थे और सीधे तौर पर कोलेबीरा की भावना जुड़ी हुई है, कोलेबीरा को अनुमंडल बनाया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वादा किया कि जनता का जो मांग है उसे पूरा करेंगे। पहले आप इस भाषण को सुन लीजिए। आप यहाँ स्वर्गीय मनोज कुमार जी ने कही एक विषय को आंदोलन के रूप में, कभी प्रखंड बनाने का, लसिया को प्रखंड बनाने का बात है, कोलेबीरा को अनुमंडल बनाने की बात है। ये सरकार में अब नहीं, अभी हम लोग आचार संहिता में है, सरकार बनती है तो निश्चित रूप से आने वाला समय में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मांगों को पूरा करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का सरकार काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। सीधे तौर पर आपने सुना कि उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता की मांग है और उस मांग को जैसे ही सत्ता में आएंगे तो पूरा कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य 2019 का जो 14 के बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें 14 से 19 रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, और दोबारा जब 2019 में चुनाव हुआ तो कोलेबीरा समेत तमाम जगह की जो जनता है उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर से भरोसा जताया और सत्ता में काबिज कर दिया। लेकिन इस वादे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भूल गए। कल की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत फिर सिमडेगा कोलेबीरा पहुंचे थे और लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं तो उन्हें सौगात देंगे, क्योंकि उन्होंने वादा 2014 के चुनाव में किया था, अब तो वह सत्ता में भी है। लेकिन तमाम लोगों को निराशा हाथ लगी। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ घोषणावीर हैं, घोषणा करते हैं, उसे पूरा करने का काम इनका नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल सिमडेगा कोलेबीरा में आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से वहां जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होने चाहिए कि 2014 में वो जब चुनाव प्रचार के दौरान वहां गए थे तो कोलेबीरा कि लोगों की जो भावनाएं थी कि कोलेबीरा को अनुमंडल बनाना है, आपने मंच से आपने 2014 में लोगों के भावना के अनुरूप आपने घोषणा किया था, लेकिन कल सिमडेगा कोलेबीरा के लोगों को यह उम्मीद थी कि आप कोलेबीरा अनुमंडल बनाने की घोषणा करेंगे, वहां पर अधिकारियों को निर्देश देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, लोगों की भावनाओं से आपकी कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से लोग आपको घोषणावीर मुख्यमंत्री कहते हैं, आप सिर्फ घोषणा करते हैं। आप 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने की बात करें, वो भी सिर्फ घोषणा में रह गया। युवाओं को रोजगार देने की बात करें, वो सिर्फ घोषणा में रह गया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, वो भी सिर्फ घोषणा में रह गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक घोषणावीर मुख्यमंत्री है। ये 4 सालों में क्या, ये 5 सालों में भी अपने घोषणा पत्र का एक भी घोषणा को वो पूरी नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर अगर बात करें कोलेबीरा की तो लंबे समय से अनुमंडल बनाने की मांग उठ रही है, जो एरिया काफी बड़ा है और सीधे तौर पर लोगों को अनुमंडल का काम कराने के लिए काफी दूर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में अगर अनुमंडल बनता है तो वहां रोजगार के साथ साथ कई जो उम्मीदें हैं वो जगेगी और सीधे तौर पर वहाँ की युवाओं का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन सत्ता में काबिज होने के 4 साल बीत गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शायद यह वादा याद नहीं है। तो सीधे तौर पर जनता ये वादा भी याद कराने की बात कह रही है और सीधे तौर पर भाजपा तंज कस कर सवाल पूछ रही है, आखिर क्या हुआ तेरा वादा।